हाय डियर माय फ्रेंड्स। और हम लोग कैसा है वो अभी जो एक्सेल शीट बनाया है, ठीक है? तो उस एक्सेल शीट में हम लोग डाटा को कैसा एनालाइज कर सकता है, तो हम दिखाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो हम लोग कितना का डाटा ले लूँगा? सपोज हम लोग 8 का डाटा ले रहा हूँ, ठीक है? तो ऑलरेडी मैं 8 का डाटा ले लिया, तो मैंने थोड़ा उसका पीछे वाला डाटा लेता हूँ। चलो दो एक तरीके का डाटा लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो हम लोग कौन सा यहाँ पार्टिसिपेंट द ओपन इंटरेस्ट, तो डाउनलोड कर लेता हूँ। ओपन इंटरेस्ट को डाउनलोड कर लिया, ठीक है? सेम एक ही तारीख का हम लोग वॉल्यूम ले लेता हूँ, ठीक है? तो ट्रेडिंग वॉल्यूम, राइट? तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट और प्लस वॉल्यूम भी ले लिया, तो ये दोनों को हम लोग एनालाइज कैसे करेगा? दो का हम लोग के पास आ गया, राइट? मतलब पीछे वाला दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं अभी का क्या है, डाटा पुल किया है, तो इसके वजह से वो डाटा वहाँ पे बिठा नहीं सकता है। अभी ऑलरेडी बिठा हुआ है डाटा, तो हम लोग यहाँ पे आ जाता हूँ। हमारा एक्सेल शीट ऑलरेडी हमारा सिस्टम में है, फिर मैंने हमारा जो यूजर है जो पेड नंबर का है तो उन लोग को दिखाता हूँ। चलो तो कैसा यूज करना, राइट? देखो यहाँ पे फोटो लगा के है, ठीक है? ये अभी 8 तारीख का मतलब जो भी है एक्सेल शीट को पूरा तरह से कंप्लीट हो गया, और कोई नहीं आगे अगर कौन सा मॉडिफाई करूँगा वो फिर अपडेट करूँगा, ठीक है? तो अभी पूरा सा जो पुराना वाला मतलब उसको नया अपडेट किया गया है, तो ये नया वाला मैं इसको क्लिक किया, ठीक है? यहाँ पे क्लिक किया तो अभी आ नहीं रहा है, क्यों? आ गया, चलो उसको आ गया, डबल डबल लगा दिया लगता है। कितना एक्सेल शीट आ गया क्या पता। चलो एक्सेल शीट आ गया, तो हम लोग इसको ले लेता हूँ, ठीक है? वहाँ से हमने ले लिया एक्सेल शीट। अभी हम लोग यहाँ क्या करो, तो हम लोग को पास हमारा डेस्कटॉप में जाना पड़ेगा। डाउनलोड किया है ना, तो देखो यूज़ कैसे करा जाता है वो एनालाइज तो बात का बात है, पहला तो अभी यूज़ करो कैसा है। तो यहाँ पे हम लोग चले जाता हूँ, किस में जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेंट द ओपन इंटरेस्ट, तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट में आ गए, राइट? तो ओपन इंटरेस्ट में आके फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोबाइल से भी कर सकता है। मोबाइल से कैसा करना वो मैं अभी बताऊंगा। ये पहला कंप्यूटर से बोल के आता है, मोबाइल से रहे तो ये नीचे वाला जो है इसको काट देता हूँ, ठीक है? इसको ज़रूरत नहीं, टोटल को हम लोग को नहीं चाहिए, और यहाँ से हम लोग को पास 2 कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है? इसको क्या करो, इसको भी हम लोग डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो हमारा पास इतना कलम बचा है, तो मैं क्या करूँ, ये कलम को यहाँ से लेके, चाहे मोबाइल से भी कर सकता है, इसको लेके हम यहाँ पे कॉपी करूँगा मोबाइल से, नहीं तो डेस्कटॉप से। तो कोई भी मोबाइल के लिए गूगल एक्सेल शीट बना के रखा है मैंने यहाँ पे, फिर आ जाना। तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट, तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट में आया, यहाँ पे ड्रॉप में यहाँ लगाया, फिर हम लोग के पास पूरा प्रेस हो जाएगा, तो होगा ओपन इंटरेस्ट, ठीक है? तो हमारा पास ओपन इंटरेस्ट का ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा आ गया, ठीक है? यहाँ पूरा डाटा हम लोग के पास होगा काम, मतलब वहाँ पे जो भी है यहाँ पे जो भी है, देखो डाटा को हम लोग चेंज कर दिया है, ठीक है? डाटा को हम लोग के पास चेंज हो गया डाटा। देखो अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज देखा ना आपको, यहाँ पे 66 आ रहा है, देखो यहाँ पे ये जो भी है एक बार देख लेना, मतलब यहाँ पे ये डाटा ऑटोमेटिक पुल हो गया, ठीक है? फिर से हम लोग अभी आप लोग को देखा क्या आता हो वॉल्यूम मंथली का, एक चीज ध्यान दो। ये वॉल्यूम है, चलो यहाँ पे लगाता हूँ इसको, तो ये ओपन इंटरेस्ट, ये दोनों यहाँ रहना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम में आप लोग को एक नज़र ये लगाओ यहाँ पे, सपोज इसका कोई भी एक ले लो, इसका देखो कितना है, इसका देखो 43,1047, ठीक है? नहीं तो ये इसको देखो 136 है ना, तो 136 इसको देखना, ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे। वाई डाटा, वाई डाटा में हम लोग वॉल्यूम जा रहा हूँ, घर नहीं जा, नहीं जाओ,
यहाँ पे आ गया। आगे आने के बाद फिर से हम लोग वॉल्यूम में चले जाऊंगा, सीधा वॉल्यूम आ गया। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम में आ गया। तो हम लोग फिर से इसको काटूंगा नहीं, ज़्यादा क्या काटूँ इसको, बस होगा। फिर इसको हम लोग कॉपी कर लिया, राइट, कॉपी करके फिर हम लोग को पास आ जाऊंगा। ये हमारा पास वॉल्यूम आ गया। बस वहाँ पे वन कितना, बार बार फिर से दिखा के आता हूँ, 136 है ना, 136 हम लोग के पास। अभी देखूंगा कितना है, चेंज हो गया ऑलरेडी, अभी 136 था यहाँ पे, अभी देखो यहाँ जीरो हो गया है, ऑटोमेटिक पुल हो गया है डाटा, राइट, यहाँ पे 00 दे रहा है, तो इसका मतलब डाटा पुल हो चुका है। और अभी हम लोग कौन सा डाटा लिया, अभी वो एक तरीका डाटा लिया, क्योंकि नया डाटा इसमें अपडेट किया, तो उसको अपडेट करने तो फिर क्या आपको दिखा के क्या फायदा है, इसीलिए हम लोग वो दिखा रहा था। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग को मैं यूज कैसे करना, राइट, खाली वहां से आके बस पहला दिन क्या था, इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट, कॉपी, तो वो काम मैंने खत्म कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को बस खाली वहाँ कॉपी करो, यहाँ पुल करो, ये पुल करने चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो डाटा है यहाँ से आपको लेके हम मैन्युअली सेव करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक कर दिया ना, तो वहाँ पे सेव नहीं रहेगा, वो भी चेंज हो जाता था, जैसे ऑप्शन चेंज होता, तो मैं इसीलिए वहाँ पे ये हर रोज का बोले हम, तो यहाँ पे एक दिन का आपको मिल जाएगा, तो फिर मंथली का यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा, ऐसा लाइन बाय लाइन। देखो मैं सेव करके रखा, तो ऐसा सेव करना, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी डाटा है, सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ले लिया, तो ओपन की नेट पोजीशन आपको यहाँ से कॉपी करना, कॉल लॉन्ग, तो यहाँ पे आ जाना मंथली का वॉल्यूम का, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन लॉन्ग, तो यहाँ पे क्लाइंट का आ रहा है, तो यहाँ सेव कर लेना ऐसा। अभी फ्यूचर फ्यूचर, तो आपका कैसा सेव करना वो आपका ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, राइट, तो हमारा पास अभी ये फ्यूचर का पहला फ्यूचर का है, इंडेक्स फ्यूचर फास्ट में कॉलम है, उसके बाद इंडेक्स ऑप्शन, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, लाइन बाई लाइन है। देखो यहाँ पे वो लाइन है, फास्ट फास्ट कॉलम हमारा पास यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे आ गए, राइट, तो ये ऊपर ही लिखे इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट लॉन्ग, ठीक है, इंडेक्स का, उसको बाद आपको आपको स्टॉक लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर, उसके बाद आपको मार्केट का डायरेक्शन क्या है इसमें लिख लेना, वो आज का आपको क्या लग रहा है, बाय लग रहा है, सेल लग रहा है, ये पाई ने कितना, मतलब आज का उसका डायरेक्शन क्या है, बाय था तो यहाँ पे बाय लिखना है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, और इसका डीआई का डायरेक्शन क्या था, पूरा डाटा यहाँ से देखना है, उसको बाद इसको लिख के रखना, मतलब दो बार आपको, मतलब बार बार पीछे जाने का जरूरत नहीं। और यहाँ पे टोटल माइनस है कितना है वो आप देख सकते हैं, बस उतना के लिए, या टोटल काउंट किया कितना माइनस है वो देखने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसको, या टोटल कितना बाय किया, बाय बाय करके फिर इतना माइनस था, इतना कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो क्लाइंट ने इतना माइनस है, ये इतना माइनस है, ये इतना, ये इतना, ठीक है, तो ये सब माइनस करने के बाद यहाँ पे ये डाटा आपको देखना, बस आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं ये डाटा से कोई मतलब नहीं है, टोटल कितना बाई हुआ, टोटल कितना सेल हुआ, ठीक है, तो ये दिखा रहा था, तो इतना सब मतलब है। तो ये डाटा यहाँ पे, यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पुल करे तो आपको पास पूरा यहाँ पे डाटा आ जाएगा, और ये दोनों में आपको मैन्युअली सेव करना पड़ेगा, इसमें और इसमें, नहीं तो आपका काम नहीं आएगा, इसमें ऑटोमेटिक, इसमें ऑटोमेटिक काम करेगा आपको, ठीक है। ये साइड, ये फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे यहाँ लिखा है, देखो डाटा वन, मतलब यहाँ से आप पुल करना, ठीक है, कोई भी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लेना है, यहाँ पे वॉल्यूम लेना है, वो अगर आप उल्टा कर दिया, इसमें वॉल्यूम ले लिया, उसमें वो, मतलब इसमें वॉल्यूम दिया, इसमें ओपन इंटरेस्ट दिया, तो आपको डाटा काम नहीं करेगा, मतलब काम करेगा तो गलत, फिर इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा ना एनालाइज, तो इसलिए आपको यहाँ पे ओपन यहाँ लिखा है, देखो ओपन वाई वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम में जाना, ओपन ओपन, मतलब उसका आपको समझ में आ गया लगता है, इतना सा यूजिंग है, हम दिखा दिया और ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं चाहता। और इसको देखने के बाद आपको डाटा एनालाइज करना, सपोज इसको डाटा हम ले लिया, राइट, अभी एनालाइज करना, यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ है, यहाँ देखना, ये कलम नोक को देखो, इधर का ये सब देखने का जरूरत नहीं, ठीक है, आपको एक कलम, दो कलम, तीन कलम, चार कलम, यहाँ यहाँ पे पाँच, यहाँ छः, ठीक है, ये वाला नोक को, ठीक है, ये वाला एक दो, यह तीन, ये चार, और इधर एक पाँच, ये वाला से, और ये सब नोक को, ठीक है, ये अलग अलग है, आपको समझ में नहीं आ रहा है,
तो यहाँ पे क्या करना, देखो यहाँ पे इंडेक्स, इंडेक्स कितना, इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स कॉल लॉन्ग, तो कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट मिला के क्लाइंट ने कितना बाय था, 18,000 कितना बाय था, सॉरी 18,961, तो यहाँ पे बाय था, इसको भी डीआई में बाय था, क्लाइंट बाय था, ये बाय या प्रो नेगेटिव था, इसका मतलब प्रो सेल करके चल रहा था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा जूम आउट करेगा ना तो एक ही जगह आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना, फिर से इसका देखो यहाँ पे कॉल में पुट ने क्या किया, यहाँ पे उसमें तो बाई करा, यहाँ पे क्लाइंट बाई किया, इसका मतलब क्लाइंट तो पॉजिटिव है, ठीक है, पुट को भी राइट किया तो गया। फिर डीआई ने भी बाई किया, तो वहाँ पे नेट नेट पोजीशन में कितना डीआई ने 367, यहाँ पे 119, मतलब इसका ज़्यादा डायरेक्शन नीचे तरफ है। फिर एफआई ने क्या किया, बाई, इसको पुट को बाई किया, मतलब नीचे है, और ऊपर क्या किया एफआई ने, यहाँ पे भी बाई किया, तो यहाँ पे ज़्यादा कॉन्टैक्ट है बाई किया। तो हम लोग फ्यूचर देखना पड़ेगा, फ्यूचर प्रो ने शॉर्ट किया और एफआई ने फ्यूचर में बाई किया, फ्यूचर को बाई करने से और ऊपर का पुट को भी बाई किया, इसका वजह से ही है बाई किया, ठीक है, पुट। तो इसका मतलब यह है नेट यहाँ पे 68 और यहाँ पे 66, तो इसका मतलब ये मार्केट ऑप्शन में जो बाई किया ये पाई ने बुलिश है, और ये और प्रो फ्लेयर नेगेटिव है, प्रो भी यहाँ पे बाई किया, फ्यूचर में भी शॉर्ट किया, इसका मतलब प्रो नेगेटिव है और ये पाई पॉजिटिव है, ठीक है, और क्लाइंट क्लाइंट भी पॉजिटिव है, 82 पुट को राइट ज़्यादा किया, और यहाँ पे क्लाइंट भी कुछ माइनस कर किया 1500 क्वान्टिटी, तो ओवरऑल यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा है, तो मार्केट का डायरेक्शन अप साइड है। तो ये इतना से समझ में आ जाना, फिर आपको देख सकता है कैश में कितना है, कैश में डीआई ने सॉरी क्लाइंट में बाई किया और डीआई सेल किया, प्रो एफआई बाई किया, प्रो भी बाई किया, इसका मतलब कैश में अच्छा खासा बाई हुआ, तो मार्केट अप साइड का यहाँ पे कन्फर्मेशन हो चुका है। तो 1 तारीख का डाटा तो बता रहा हूँ, तो प्रॉपर कन्फर्मेशन हो जाता है। फिर यहाँ पे कॉल ये स्टॉक में कितना बाई किया, यहाँ बाई किया डीआई ने, फिर प्रो एफआई ने कैश में कुछ सेल करके गया, फिर प्रो भी सेल करके गया। तो ओवरऑल यह सिनेरियो इतना से समझ में आ जाता, एक दिन का डाटा देख के फिर आपको तीन चार मतलब यहाँ पे लगभग 5 डेज का डाटा देखेगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। फिर इसको मैच करना कौन सा डाटा कब मैच हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है, बाइक का क्या, तो आपको कुछ डिसीजन और आराम से साइकोलॉजी समझ में आ जाता है। तो इतना सा देर प्रैक्टिस करो आ जाएगा। तो थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पे एंड है। इसको देखने के बाद फिर आपको क्या करना, ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन से देख के कहाँ पुट राइट ज़्यादा हुआ, जैसा मैंने कल का डाटा में बता सकता था। सपोज यहाँ पे जाऊँगा, अभी मार्केट का मैं यहाँ पे मैंने कल का डाटा देख लिया, मैं ऑलरेडी उसको काट के फिर मैं दिखा देता हूँ, इसको एक्सेल शीट को मैं ये पहला वाला डाटा को निकाल देता हूँ, ठीक है, डोंट सेव। तो कहीं ना कहीं पहला वाला डाटा अगर मैंने निकाल दिया नया, वो ये डाटा अभी सेव नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पर ऑप्शन सेन आ गया, तो हम लोग को पास हमारा यहाँ पे ही डाटा है, मैंने इसमें ही रखा है। तो ये डाटा देखते हुए हम लोग को पास अच्छा खासा, ये देखो यहाँ पे फ्यूचर में ये 88 कॉन्टैक्ट शॉर्ट है, और यहाँ पे ये पाई ने बाई किया 88, तो यहाँ पे उसका डबल होना चाहिए, तो यहाँ पे और यहाँ पे बाई किया 64, तो इसका मतलब डायरेक्शन फ्यूचर में अभी बाई कर रहा है, कैश में भी एफआई ने अच्छा, प्रो प्लेयर भी अच्छा खासा, क्लाइंट भी बाई किया, एक डीआई ने सेल करके गया, और यहाँ पे एफआई ने कुछ सेल प्रो सेल किया और डीआई में भी सेल करके गया, तो कॉल में, और यहाँ पुट में क्या किया, पुट ने फिर कुछ बाई किया, प्रो भी बाई किया और यहाँ पे क्लाइंट सेल करके गया। तो ओवरऑल फ्यूचर को देखते हुए हम लोग के पास, तो इसका मार्केट पॉजिटिव है, ये पाई एक लाई पॉजिटिव है, अगर प्रो भी मतलब क्लाइंट भी पॉजिटिव है, क्लाइंट देखो पुट राइट करने किया 77 और यहाँ पे बाई, यहाँ पे भी पुट राइट किया 25 या 77, मतलब यहाँ ज़्यादा है राइट, तो इसका मुकाबला मार्केट का ट्रेंड मतलब अपसाइड है, और 137 और 6 में मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कॉल साइड, यहाँ पे भी अच्छा खासा खाली प्रो सेल करके कॉल को कॉल राइट किया है, और यहाँ पे भी प्रो राइट किया है 28 और यहाँ पे 40 कॉन्टैक्ट, तो ज़्यादा कॉल साइड का राइट किया, कुछ नीचे का भी इन लोग को शॉर्ट किया दोनों साइड का, तो दोनों साइड ही हेजिंग है थोड़ा सा कम ज़्यादा करके, उसका डायरेक्शन है मार्केट नीचे जाएगा, इसीलिए थोड़ा कम किया नीचे है और ऊपर ज़्यादा किया,
ठीक है। तो यहाँ पे इसका फ्यूचर प्रो भी फ्यूचर को शॉर्ट किया इसका, इसलिए इन लोग कुछ यहाँ पे मतलब शॉर्ट किया और यहाँ कुछ शॉर्ट किया। तो फ्यूचर भी ज़्यादा कंटेक्ट नहीं है ना इसका, कम है मतलब FI का ज़्यादा है और DI। तो ये ओवरऑल इतना दिमाग घुमा के बात फिरा के नहीं, यहाँ पे डाटा पॉजिटिव है बस इतना सा बात है। और आगे आगे वाला पहला वाला जो डाटा है उसको देखना पड़ता है, फिर काट दिया चलो उसको छोड़ देता हूँ, तो उसको देख के फिर सेम वैसा ही कर लेना। तो कल का डाटा देखते हैं मार्केट पॉजिटिव है राइट, तो हम क्या करेगा फिर ऑप्शन चेन में आ गया, तो ऑप्शन चेन में आके हम लोग देखना 14,347 का है, तो देख लिया फिर 14,350 राइट, 4750 आ रहा है, तो 4750 तो फास्ट है। यहाँ पे कॉल राइट कहा ज़्यादा हुआ राइट, यहाँ पे तो नए मार्न रनिंग देख रहा हो, यहाँ पे 2919523710 सबसे ज़्यादा कॉल राइट का हुआ, पसस हो रहा है ना पसस, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो अनवाइंडिंग देख रहा है, यहाँ भी अनवाइंडिंग, यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ नंबर ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 14,500 लेवल में पुट राइट किया कौन प्रोफिलियर ठीक है, इस इतना समझ में आ गया, ये कस्सा कस्सा रेजिस्टेंट है। और यहाँ पे पुट कॉल राइट किया, यहाँ पुट राइट किसने किया, पुट राइट 3 लाख, तो इस 14,200 लेवल में अच्छा खासा पुट राइट हुआ ठीक है। 200 का लेवल जबरदस्त लेवल है, और या कान रनिंग नहीं, तो ये इतना ये भी बहुत बड़ा शंका है देखो, मगर इससे ज़्यादा बड़ा ये वाला है देखो यहाँ पे, तो हमें इसको मालूंगा क्योंकि यहाँ पे न्यूअर है, यहाँ पे कभी भी टूट जाएगा। तो 14,200 में पुट राइट तो ये भी प्रो ने किया है ठीक है, तो थोड़ा दूर का बाइक किया है मतलब दूर का शॉर्ट किया, उसको डायरेक्शन को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा राइट, तो इसीलिए कॉल साइड का यहाँ पे शॉर्ट किया और उसका भी थोड़ा दूर का शॉर्ट किया, तो ये लोग थोड़ा दूर दूर चल रहा है, तो इतना सा समझ में आएगा। सेम बैंक निफ्टी भी वैसा ही है देख लें, समझ में आ जाएगा पुट राइट कहाँ किया, तो इतना सा पुट राइट बैंक निफ्टी में देखा देता हूँ एक बार, वीडियो काफी बड़ा बन रहा है बने दो क्या होता। तो 80,100 32,100 32,100 अगर आएगा यहाँ पे आ रहा है न्यू और पुट राइट का मतलब कॉल राइट ज्यादा किसने किया, ज्यादा किया है इसका, मुझे तो यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस में जबरदस्त यहाँ पे अनवाइंडिंग माइनस हो रहा है, अनवाइंडिंग तो नहीं है माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ का 205 रुपया 32,500 का जबरदस्त कॉल राइट हुआ ठीक है। उसके बाद और एक लेवल है ये वाला में 33,000 का जबरदस्त कॉल राइट हुआ, तो मैंने सबसे पहला जो है यहाँ पे 40 तो 58 तो इसमें ज़्यादा है इसमें पुट राइट, तो ये प्रो प्लेयर 32,500 में पुट राइट करके सॉरी कॉल राइट करके गया, और पुट साइड में कौन राइट करके गया, पुट साइड का नंबर नहीं देख रहा हूँ, पुट साइड में अच्छा खासा नंबर देख रहा हूँ इसमें, यहाँ पे 86 बाप रे, यहाँ पे भी न्यूअर प्राइस देख रहा हूँ, इसने कौन किया 267 इतना बड़ा स्ट्राइक प्राइस ये कम नहीं है इसका, तो यहाँ पे बाइंग होगा शायद 86 7 3 ये वाला भी ऐसा खासा हुआ है, मगर उतना मैं इसका कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता हूँ, ये वाला जबरदस्त है ये वाला, और पीछे वाला भी अच्छा है, ये अनवाइंडिंग हो रहा है सॉरी वहाँ पे नहीं दे रहा है, यह यहाँ पे ये वाला ही है, तो 31,500 का लेवल जबरदस्त है। तो बस यहाँ पे इतना था समझ में आ गया शायद, यहाँ पे कॉल यहाँ पे प्रो प्लेयर पुट राइट किया, यहाँ कॉल राइट किया, फिर क्लाइंट लोग भी यहाँ पे राइट किया ठीक है। क्लाइंट क्लाइंट मेरे को लग रहा है ये लेवल में क्लाइंट लोग न्यूअर प्राइस इसको मार्केट मतलब लग रहा है ठीक है, पुट राइट ज़्यादा किया है इन लोग ठीक है, तो न्यूअर प्राइस ही होगा शायद, तो
31,500 जो भी है लेवल है, तो अच्छा खासा लेवल है। तो और अभी आपको एक्सेल शीट देखो यहाँ से तो ऑलरेडी क्लिक करेगा आप, डाउनलोड हो जाएगा, मिल जाएगा ऑटोमेटिक, आपको दिखा दिया। अगर आपको मोबाइल है आपको नहीं हो रहा है तो यहाँ क्लिक करो, गूगल एक्सेल शीट में आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे भी आप काम कर सकते। ये है आपके लिए गूगल एक्सेल शीट, ठीक है, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने दो उसको, हम देखा दे, सेम उसी का सेम ही है और कुछ ज़्यादा कुछ इधर उधर हाई नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सेम आ गया आपको एक्सेल शीट, थोड़ा सा रिफ्रेश होने दो, उसके बाद आप यहाँ पे ये वाई में आ जाना, ठीक है, बस सेम ही उसी तरह से ही है, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं। तो आपको इसमें बड़ा करना बोले तो बड़ा कर सकते हैं, सेम उसी का तरह भी है, तो आपको समझ में आ जाएगा शायद। ये है सेम उसी का, कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, बस थोड़ा जूम करके बड़ा बना लो और आपको हो जाएगा काम। है आपको मोबाइल से भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मोबाइल में आपको एक्सेल शीट माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्टवेयर, ये माइक्रोसॉफ्ट इन एक्सेल शीट को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा मोबाइल में, उसके बाद आप ही आराम से मोबाइल से भी हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मेरा बात समझ में आ जाएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और यह है पेड नंबर जितना भी है आपको मिल गया, अपडेट हो गया, ठीक है, पुराना जो भी है उसको डिलीट कर दो, नया वर्जन अपडेट कर दो, ठीक है, आपको आसान हो जाएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बाय बाय। तेरी हाथों